नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो में फिर स्वागत करता हूँ। इस समय वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पे आया हूँ। तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा, आज पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। इसका उद्घाटन हो चुका है पीएम मोदी के हाथों। अब चलिए चलते हैं आपको अंदर दिखाते हैं चल के। देखिए, इसमें आया हूँ कैंट रेलवे स्टेशन के पास, देख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं आपको अंदर से पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं। देख रहे, काफ़ी खूबसूरत कैंट रेलवे स्टेशन बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं सामने। यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, जो कि यहाँ पर टिकट वगैरह ले सकते हैं आप। ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये देखिए, काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। वही प्लेटफॉर्म नंबर एक के नीचे एक रेस्टोरेंट बनाया गया है, जो कि रेलवे की तरफ से बनाया गया है, जो कि चलिए चलते आपको अंदर से दिखाता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि जो बाहर से वो भी देख पाएंगे कि वाराणसी में कितना विकास कार्य चल रहा है। ये देखिए, मैं आपको चारों तरफ से घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। एकदम का इस स्टेशन पर आपको एकदम गंदगी नहीं दिखेंगी यहाँ पर, जिस प्रकार से बनाया गया है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, दिखा रहा हूँ आपको। अभी ले चलता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर एक पास, ग्राउंड फ्लोर के नीचे एक रेस्टोरेंट बनाया गया है, वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। पहले आप चारों तरफ से नज़ारे देख सकते हैं इधर कैंट रेलवे स्टेशन का। ये देखिए, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये दिखने में जो बनाया गया है यहाँ पे। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा, आज पीएम मोदी ने इसका किया है उद्घाटन। ये देखिए, अब ये चल देखिए आपको, ये आपको अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ इस रेस्टोरेंट के अंदर से। आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ पे जो जानकारी यहाँ पे लिखी गई है। ये देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसे लाइटिंग वगैरह डेकोरेशन देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन मन किया गया है यहाँ पर। यह आज इसका उद्घाटन हुआ है नरेंद्र मोदी जी। ये देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे खिलौने यहाँ पे रखे गए साइड में, देख सकते हैं, काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है ये। देखिए, दिखा रहा हूँ आपको। रेल यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव प्रदान कराने के लिए आईआरटीसी वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर अपनी 7वें विश्व स्तरीय एग्जीक्यूटिव लाउंज की सोमवार से शुरुआत करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को एयरपोर्ट जैसी सुविधा वाले लाउंज का उद्घाटन करेंगे। ये देखिए, काफ़ी बेहतरीन लाइट यहाँ पे लगाई गई है, काफ़ी अच्छी से यहाँ पे सजावट भी की गई है, आप देख सकते हैं। चलिए आपको मैं चारों तरफ से यहाँ घुमा के दिखाता हूँ आपको। ये है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर एक के ग्राउंड फ्लोर पर एक नए एग्जीक्यूटिव लाउंज की जाने का रास्ता दो तरफ से है। एग्जीक्यूटिव लाउंज में काशी की सांस की झलक भी देखने को मिलेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा घाट और सारनाथ सहित अन्य प्राचीन मंदिरों को देखा जा सकेगा। यहाँ बैठने के लिए यात्रियों को शुल्क देना होगा। ये देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लाइट वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगा है, काफ़ी अच्छा चमक रहा है ये। अगर आप कभी कैंट स्टेशन पर अगर आते हैं तो इसका एक बार अवसर प्रदान जरूर करिएगा आप, क्योंकि देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है ये। यहाँ पर वाईफाई सुविधा भी दिया गया है इसके अंदर, मैं उसकी भी जानकारी देता हूँ आपको, देख सकते हैं। चलिए आपको पहले चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्यों ना सोचा मैं आपको इसका भी एक दिखाया जाए, वीडियो बना के, ताकि देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ये। पूरा एयरपोर्ट जैसी सुविधा दी गई है, जैसे एयरपोर्ट को होता है वैसे ही पूरा इसमें सुविधा दी गई है। ये देखिए, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। चलिए थोड़ा सा पास से भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, सब पूरा इसमें लिखा हुआ है, आप जैसे पढ़ सकते हैं इसको, इसके पढ़ के जूम करके पढ़ सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पे रखी गई है, जो कि आप इसका चार्ज लगेगा, फ्री में नहीं मिलेगा, इसका चार्ज दिया जाएगा, तभी आप इसको ले सकते हैं। ये देखिए, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। IRCTC इससे पहले आगरा, जयपुर, सियालदह, अहमदाबाद, मदुरई और दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर एग्जीक्यूटिव लाउंज का संचालन कर रहा है। कैंट रेलवे स्टेशन की इस लाउंज में यात्रियों को आरामदायक प्रतीक्षा के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मिलेंगी। ये देखिए, कितने अच्छे से बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप। कैंट स्टेशन के एग्जीक्यूटिव लाउंज में संगीत, वाईफाई, इंटरनेट कनेक्शन, TV, ट्रेन, सूचना प्रदर्शन, गर्म और शीतल प्रे, बहुव्यंजन बुफे, लाइंजर, विशाल सामान रैक जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिसे यात्री निर्धारित शुल्क पर प्राप्त कर सकेंगे। ये देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा चलता हूँ अंदर से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। और इसके अंदर भी देखिए बनाया गया एक
इसमें यात्रियों को एग्जीक्यूटिव लाउंज में प्रवेश से 1 घंटे के लिए 85 रुपये, अतिरिक्त घंटे के लिए 60 रुपये शुल्क देना होगा। मतलब यहाँ पे 85 रुपये दे के आप 1 घंटे के यहाँ पे आराम कर सकते हैं। यहाँ पे वाईफाई सुविधा भी दिया गया है और आधे घंटे के लिए आप 60 रुपये शुल्क देना होगा, यहाँ पे लिखा है। प्रवेश शुल्क में यात्रियों को आरामदायक बैठने की सुविधा, वाईफाई इंटरनेट सुविधा, पुस्तकों और पत्रिकाओं को खरीदने, चाय कॉफ़ी से ताज़ा पेय जल जैसी सेवाएँ शामिल होंगी इसके अंदर। ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, सब देख सकते हैं आप। इधर वाराणसी में IRCTC का यह लाउंज काफ़ी समय बनाया जा रहा है। यह अब यात्रियों का इंतजार खत्म होने वाला है, जो कि एग्जिट लाउंज 24 घंटे चालू रहेगा। ये देख सकते हैं आप, इधर चारों तरफ से घुमा के दिखा रहा हूँ आपको। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो बाहर से जितने भी हो देख सकें वाराणसी में कितना विकास कार्य चल रहा है। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ये आप देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से कितने अच्छे से डिज़ाइन किया गया आप देख सकते हैं। इधर ये कैंट स्टेशन पे अगर आप आते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास ये है, ये रेस्टोरेंट 24 घंटे ये चालू रहेंगे। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सब देखिए डिज़ाइन वगैरह कितने अच्छे से किया गया है यहाँ पे। कई दिनों से बन के तैयार था, फाइनली आज ही इसका उद्घाटन हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं इधर। ये देखिए कितनी बेहतरीन बनाया गया ये। स्टेशनों पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे सुविधाएं मिल रहे हैं, ये देखिए दिखा रहा हूँ आपको। देख रहे टेबल कुर्सी काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे जो लगाया गया जिस हिसाब से। अगर एक बार आप आते हैं कैंट स्टेशन पर, इस पर एक बार जरूर अंदर आप देखिएगा, जरूर आके इस सुविधा का लाभ जरूर उठाइएगा एक बार। ये देखिए काफ़ी बेहतरीन लग रहा है ये। ये देख सकते हैं आप, यात्रियों के लिए कैंट स्टेशन पर काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से इंतजाम किया गया है यहाँ पे यात्रियों के लिए, लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा इस हिसाब से यहाँ बनाया गया है यहाँ पे अंदर, देख सकते हैं आप इधर। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय माता दी।